हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। यार आज ना मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मेरा मूड देख करके और ये नज़ारे देख करके आप लोगों को लग ही रहा होगा कि यार सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है। एक्चुअल में अभी यहाँ पे पापा जी जो हैं सुबह सुबह वर्कआउट कर रहे हैं और साथ ही साथ मेरी माता जी भी एक्सरसाइज कर रही हैं और यहाँ पापा जी के जो कोच हैं वो उनको मतलब एक्सरसाइज कराते हैं सुबह सुबह की। और इतने मज़ेदार मज़ेदार गाने बजा के करते हैं ना कि यार मैं क्या ही बताऊँ। मन तो करता था कि मैं भी उठ कर डांस करूँ लेकिन नहीं कर सकती भाई, अभी मेरे को अलाउड नहीं है। और यहाँ पे पापा जी का डांस सेशन शुरू हो गया था तो पापा जी कितने मज़े से डांस कर रहे थे। इनको देख देख करके ना इतना अच्छा लग रहा था कि यार उठ के मैं भी एक दो बार और डांस कर लूँ। और ये मेरे पिताजी की छोटी संतान जो कि उठने की बहुत भारी कोशिश करते हुए, और यार पापा जी को इतना एनर्जेटिक सुबह सुबह देख करके ना हम लोगों के अंदर भी इतना एनर्जी आ जाता है कि फाइनली मेरे जो भाई साहब है सुबह उठने का कष्ट कर देते हैं और हाय हेलो कर रहे हैं। और यार आज ना मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी। वैसे तो मम्मी ने कहा था मुझे, पर मेरा भी काफ़ी टाइम से मन कर रहा था कि मैं भी अब कुछ कुक करूं। और यहाँ पे पापा खेल रहे हैं चार्ली के साथ, उनका वर्कआउट हो जाता है तो फिर वो चार्ली के साथ भी अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के खाने की तरफ, जिसमें मैं बना रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में लिया सरसों का तेल और उसमें डाला है जीरा, राई, लहसुन, मिर्च का तड़का और उसके बाद डाला है मैंने करेला। जी, ये करेले की सब्ज़ी है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, मैं इसको हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। अब करेले को थोड़ा भून लेने के बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज, बाद में डालूँगी, और जब वो दोनों भून जाएंगे उसके बाद मैं उसमें डालती हूँ टमाटर। और टमाटर को मैं अच्छे से उसमें गलने देती हूँ, अच्छे से पकने देती हूँ, जिसके लिए नमक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसे हम थोड़ा ढक ढक कर पकाएंगे ताकि वो जल्दी स्टीम में जल्दी से कुक हो जाए। और उसके बाद हम उसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालने में कंजूसी नहीं करना, धनिया पाउडर डालोगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और बस यार इससे ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है, इतने में ही ना बहुत टेस्टी बनता है। मतलब मेरी तो पर्सनल फेवरेट है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्योंकि अभी खाने में थोड़ा सा टाइम है तो मैं पापड़ सेक रही हूँ अपने खाने के लिए, और मुझे ना तले हुए से ज़्यादा ऐसे सिके हुए जो पापड़ रहते हैं ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप लोगों को कैसा पापड़ अच्छा लगता है, तला हुआ या फिर जो गैस पर सिगड़ी पर भुना रहता है वो वाला? तो यार यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन। और ना अभी जब मैं पापड़ खा रही थी तो यहाँ पे चार्ली बैठ के मेरा मुंह ऐसे देख रहा था कि यार मेरे को भी थोड़ा सा दे दो, लेकिन नहीं भाई, इसको ये सब अलाउड नहीं है तो हम उसे नहीं देंगे। और मुझे ना पापड़ के अलावा फिर मेरे को दाल पीने का मन कर गया, क्योंकि मुझे छोटी छोटी भूख लगी रही थी तो फिर मैं ये दाल लेकर के पी ली। और उसके बाद हमारा लंच का टाइम हो गया, पापा जी भी आ गए तो हम लोग फिर ये खाना खाने के लिए बैठ गए। तो आज है दाल, चावल, करेले की भुजिया और सैलेड। और ये है मेरे पिताजी की सैलेड की थाली, क्योंकि वो पहले सैलेड ही खाते हैं उसके बाद खाते हैं खाना। और यार यार शाम का व्यू है कितना प्यारा है ना, और रात को ना ज़्यादा कुछ ऐसी भूख नहीं थी तो हम लोगों ने ये चीला बनाया था जो कि पहला वाला बिगड़ गया था, फिर दूसरा बनाया तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बना। तो यार कैसा लगा आज का आपको व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टाटा बाय बाय, सायोनारा।